वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग खेलने जा रहे हैं जू चोचिस और आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मुझे जू चोचिस के प्रिजन को ब्रेक करके यहां से एस्केप करना होगा। चलो ठीक है, यहां आ गए, पिंक लेडर है यूज़ करा और हम लोग सेफली तरीके से यहां भी आ चुके हैं। आगे बढ़ते फटाफट से। और राइट गाइस, यहाँ पर एक बटन है, दबाते हैं, दबा दिया, पिंक आयरन प्लेट खुल के आ चुका है, नीचे देख सकते हो ब्लू ट्रैप है तो संभल के जाना होगा, नीचे नहीं गिरेंगे। ओके, अंदर जाएंगे तो रिंच चाहिए, रहा रिंच, इसे डिस्ट्रॉय करेंगे, डिस्ट्रॉय करा, इसके बाद हम लोग सीधा नीचे चलते हैं गाइस। चलो ठीक है, नीचे आ चुके हैं। जू चोचिस के प्रिजन से निकलना इतना आसान नहीं है, बट कोई ना, हम लोग हर चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है। देख सकते हो ये जू चोचिस है, ये जू चोचिस मॉन्स्टर काफ़ी डेंजरस है और मुझे इससे बचते हुए जाना पड़ेगा। और इससे बचना ही नहीं है बल्कि हमें कदम कदम पर नया नया चैलेंज भी मिलेगा, उसे कंप्लीट करके हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, मतलब एस्केप करना है। चलते फटाफट से, और ये जू चोचिस मेरे पीछे पड़ चुका है, फटाफट चलते हैं। और राइट गाइस, वो नीचे चला गया, चलो ठीक है, अब हमें आगे जाने में आसानी होगा। लेकिन वो तो नीचे चला गया, लेकिन ट्रैप तो बाकी है ना, आगे भी मुझे जू चोचिस मिलेगा और उसका टीम भी मिलेगा, उसका जो गार्ड होगा वो भी मिलेगा, तो काफ़ी हम लोग को मज़ा आने वाला है। ओके, आ चुके यहाँ पर, सारे डोर ओपन करेंगे, ये रहा साबल, और साबल की मदद से हम लोगों ने सुरंग बनाना स्टार्ट कर दिया है। हमें थोड़ा सा वेट करना है गाइस, थोड़ा वेट करेंगे, सुरंग कंप्लीट हो चुका है, संभल के नीचे देख सकते हो काफ़ी खतरनाक सा एसिड है और ऊपर स्टोन का पिलर है, तो हमें सिर्फ स्टोन के पिलर पर अच्छी तरीके से जंप करते हुए जाना पड़ेगा। और राइट, हम लोग यहाँ आ चुके हैं, अब फटाफट से मैं इस ब्रिज को पार कर लेता हूँ, थोड़ा ही बचा है, तो गाइस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अब आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, यहाँ कैसे जाएंगे, आगे रास्ता है क्या, ट्राई करते हैं। अरे नहीं यार, चलो ठीक है, मुझे लगा था मैं नीचे गिर गया, लेकिन यहाँ पे वाटर है, आगे जाने का रास्ता इसी तरीके से बना हुआ है, मुझे तो लगा था मैं नीचे गिर के किल हो गया। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर गोला आता है, संभल के जाना होगा, यहाँ पर स्टे करते हैं क्योंकि वो ग्रीन गोला फिर से आ रहा है, अगर मैं इसकी चपेट में आ गया तो ये मुझे सपाट बना देगा, इसीलिए मुझे इस ग्रीन गोला से बचते हुए आगे बढ़ना होगा। ठीक है, चलो ठीक, यहाँ पर रुकते हैं, फिर से गोला आया और चला गया, फिर से आगे चलते फटाफट से। और यहाँ जैसे हम लोग आते हैं, यहाँ पर एक लेडर है, इसका यूज़ करेंगे, पिंक लेडर का यूज़ करा और सीधा इसके ऊपर आ गए। अब आगे चलते फटाफट से, यहाँ पर कोई भी क्रिएचर नहीं है, पहले व्हील घुमा लेते हैं। चलो गाइस, घुमा दिया, बाहर चलते हैं, रुकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर एनिमल है, देख सकते हो क्रिएचर है, काफ़ी डेंजरस क्रिएचर है। चलो उस तरफ चला गया है, और ये जू चोचिस का है क्रिएचर है, इसे बचते हुए जाएंगे। चलो ठीक है, ऊपर चलते हैं। चलो कोई ना, पहला कोशिश फेल हो गया है, सेकंड बार ट्राई करेंगे, इस बार हो जाएगा और सही तरीके से जाना होगा। अगर मैं थोड़ा सा मिस्टेक करूंगा तो मुझे दोबारा से नीचे से चढ़ना होगा, तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा सही तरीके से। यहाँ भी आ चुके हैं सेफली तरीके से, तो गाइस हम लोग ब्रिज के ऊपर आ चुके हैं, आगे बढ़ते फटाफट से। और यहाँ पर लिफ्ट है, देख सकते हो लीवर पुल डाउन कर दिया और ये लिफ्ट हो चुका है एक्टिवेट, तो हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि हम लोग ऊपर जा रहे हैं, थोड़ा वेट करेंगे। चलो हम लोग यहाँ आ चुके हैं सब, ओके ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वेंडिंग मशीन ये रहा, और मैंने यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक ले लिया, इसे पीते ही मेरे पास एक एबिलिटी आ चुका है, अब हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जंप करते हुए चलेंगे, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ भी आ गए, और नीचे लावा है, देख सकते हो काफ़ी खतरनाक सा, तो हमें सिर्फ ऊपर ही जंप करना पड़ेगा। चलो गाइस, यहाँ भी आ चुके हैं, अब मैं फटाफट से आयरन प्लेट को पार कर लेता हूँ, फटाफट से एक बार और जंप करेंगे, और ये रहा ब्लू लेडर, इसका यूज़ करके सीधा इसके ऊपर चलेंगे। एक और ब्लू लेडर है, इसका भी यूज़ करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं गाइस, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, आगे चलते फटाफट से, स्टोरेज रूम के अंदर आ चुके हैं क्योंकि हमें यहाँ चाहिए लेडर, तो मैंने लेडर ले लिया। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सही जगह पर ड्रॉप करेंगे, तो चलो फटाफट चलते हैं, सही जगह पर ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, रख दिया, अब मुझे जाना होगा ऊपर टनल में, तो संभल के चलेंगे गाइस, ठीक है। ऑलराइट, संभल के, क्या मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ऊपर मेरा कैरेक्टर जा ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, फिर से ट्राई करते हैं गाइस, फिर से ट्राई कर लेते हैं। चलो कोई ना, फिर से मिस्टेक हो गया, इस बार चढ़ेंगे, इस बार हो सकता है, क्या मैं बार बार मैं फेल क्यों हो जा रहा हूँ, इस बार हो जाएगा। चलो ठीक है, इस बार हम लोगों ने पकड़ लिया लेडर को और ये मुझे सीधा इसके ऊपर लेके आएगा, तो गाइस हम लोग सीधा इसके नीचे आ चुके हैं, आगे चलते फटाफट से।
और यहाँ सामने एयर प्रेशर देख सकते हो काफ़ी तेज है और मुझे अच्छी तरीके से जाना होगा। देख सकते हो यहाँ नीचे ट्रैप है, काफ़ी खतरनाक सा ट्रैप है, थोड़ा ही वेट करना होगा। ये रहा ब्लू लेडर और हम लोग इसकी मदद से ऊपर चलेंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं गाइस। चलो ठीक है, मेरे सामने पाइप है, इन सारे पाइप को मुझे अच्छी तरीके से कंप्लीट करके आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और हम लोग काफ़ी सही तरीके से जा रहे हैं, इसके बाद इसके ऊपर आ चुके हैं सेफली तरीके से, इस पाइप के ऊपर आ चुके हैं, फिर से चलेंगे इस पाइप पर, बस थोड़ा ही बचा है ऊपर आने के लिए, तो ऊपर भी आ चुके हैं। और यहाँ पर तीनों पाइप में से एयर निकल रहा है और मुझे तीनों पाइप का एयर बंद करना होगा। ये रहा पहला व्हील, घुमाते हैं। तो गाइस हमने घुमा दिया, यानी कि पहला पाइप का एयर बंद हो चुका है। अब चलेंगे सेकेंड पाइप की तरफ और मुझे सेकेंड पाइप को भी पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, तो बंद करते हैं। घुमा दिया और यहाँ पर पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब बचा है थर्ड, यानी कि सबसे लास्ट वाला पाइप, और मुझे उसे भी बंद करना है। तो चलते हैं ना फटाफट से। देख सकते हो यहाँ पर एक पाइप है, इसमें से एयर निकल रहा है और ये रहा व्हील, घुमाते हैं। चलो घुमा दिया, वो एयर भी बंद हो गया। अगर हम लोग ऐसे ही जाने की कोशिश करते तो इस एयर में सटते ही मेरा कैरेक्टर किल हो जाता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं ना इसके ऊपर। चलो ठीक है, जंप करेंगे। जंप करा, सामने देख सकते हो टनल है और हमें जाना है उसी टनल में। चलते हैं फटाफट से, ठीक है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं टनल में, इसके बाद देखते हैं कैसा रास्ता आएगा। जू चोचिस के प्रिजन से निकलना इतना आसान तो नहीं है, ये तो हम भी मानते हैं, और सटीक तरीके से जंप करके निकलेंगे। चलो ठीक है, क्या ये एनिमेशन है? एनिमेशन तो सच में पूरा का पूरा कमाल है, देख रहे हो, एनिमेशन पूरा का पूरा कमाल है। तो हमें सही तरीके से निकलना होगा। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, चलते हैं सीधा इसके ऊपर, थोड़ा वेट करेंगे। आ चुके हैं यहाँ पर, अब आगे चलते हैं फटाफट से। पहला कोशिश फेल हो गया, सेकेंड बार ट्राई किया और सेकेंड बार में सीधा हम लोग आ चुके हैं टनल में। इसके बाद क्या करेंगे सोचना पड़ेगा। तो हम लोग नीचे भी आ चुके हैं, अब आगे चलते हैं फटाफट से। ओके, और यहाँ पर देख सकते हो जू नॉर्मली कैटनैप है, यानी कि कैटनैप है इसका नाम है, जू नॉर्मली कैटनैप, इसका पूरा नाम है जू नॉर्मली कैटनैप। और मुझे इसे किल करना होगा, फोर जो का वेपन मिल गया, इस कैटनैप को मुझे पूरी तरीके से किल करना होगा। चलो ठीक है, मैंने इसे डैमेज देना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो इसका हेल्थ मैंने आधा से भी कम कर दिया है। और मुझे क्या करना है, इसे पूरी तरीके से किल करना है। चलो ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे, डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब यहाँ से निकल चलते हैं। देख सकते हो इस तरफ से रास्ता बन गया है, पहले यह पूरी तरीके से सील था सेल से, लेकिन अब यहाँ पर ओपन हो चुका है और हम लोग इसी रास्ते से नेक्स्ट स्टेज में निकल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो ब्लू एरो का निशान है, इसका मतलब हम लोग सही तरफ जा रहे हैं। और यहाँ मेरा कैरेक्टर नीचे स्क्रॉल होने लगा, उसके बाद एक हाईली जंप करा और यहाँ नीचे लैंड कर गए हम लोग। अब चलते हैं ना आगे फटाफट से और चेकआउट करते हैं क्या होगा। और यहाँ पर एक लेडर है, इसका यूज़ करेंगे और चलते हैं सीधा इसके ऊपर, थोड़ा वेट करेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ आ चुके हैं, डोर ओपन किया, अब चलेंगे सीधा इसके ऊपर। तो अच्छी तरीके से जाना होगा ऊपर, काफ़ी खतरनाक सा लेजर है। चलो बच गए, पहला लेजर को पार कर लिया, ये रहा सेकेंड लेजर। तो गाइस हम लोगों ने सेकेंड लेजर को पार कर लिया, चलते थर्ड की तरफ, ये रहा थर्ड, थर्ड को भी पार कर लिया। अब बचा है फोर्थ लेजर, इसे पार करेंगे, इसे पार कर लिया, उसके बाद सेफली तरीके से लैंड कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब मुझे क्या करना होगा। ये रहा लेडर्स, चलेंगे सीधा इसके ऊपर, क्योंकि मुझे प्लैंक्स चाहिए, सिर्फ एक ही प्लैंक्स काफ़ी होगा ब्रिज बनाकर उस तरफ जाने के लिए। कुछ ही देर में हम लोग सबसे लास्ट फाइट को अंजाम देंगे। फिर से उठा लिया, यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर लिया, फिर से उठाएँगे, उठा लिया और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप कर लिया। आगे चलते हैं, ये डोर ओपन होगा, डोर ओपन हो गया और मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हो इसका नाम है, इसका नाम क्या है पढ़ना पड़ेगा। ओके, जी आई आर ए एफ, चलो ठीक है, गैरिफ, गैरिफ रोबोट इसका नाम है और मुझे इसे किल करना होगा। चलो ठीक है, और मैं इसे काफ़ी अच्छी तरीके से डैमेज देना शुरू कर दिया है। ओके चलो कोई ना, और ये वेपन चलाता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग इसे एम करेंगे, ठीक है। मैं इसे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज तो दे रहा हूँ, लेकिन इसका हेल्थ अभी तक भी आधा नहीं हुआ है और इसने मुझे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज दे दिया है। देख सकते हो मेरा हेल्थ काफ़ी कम है, आपको स्क्रीन के कॉर्नर पर दिखाई दे रहा होगा, वो मेरा एचपी है और नीचे जो बिग साइज में है वो सामने देख सकते हो, गैरिफ इसका एचपी है, इसका नाम है गैरिफ रोबोट।
चलो कोई ना, यहाँ से चलते हैं। इसे कैसे किल करूँ समझ नहीं आ रहा मुझे। ट्राई करते हैं, इस बार हो सकता है। वो भी थोड़ा ही बचा है। चलो काफ़ी अच्छा खासा मैं इसे डैमेज दे रहा हूँ। ये लो डैमेज दिया फिर से। बस थोड़ा ही बचा, एक हैंड बचा है, सिर्फ एक हैंड। अरे नहीं यार, बस थोड़ा बचा था, बस वो थोड़ा ही बचा था, लेकिन मैं किल हो गया। ये हमारा सेकंड चांस है और सेकंड चांस में हम लोग कोई भी गलती नहीं करेंगे। अभी देखना क्या स्पीड से मैं इसे किल करूँगा। काफ़ी फास्ट तरीके से मैं इसे डैमेज इस बार दे रहा हूँ, देख सकते हो। जब तक वो मेरी तरफ बढ़ेगा, मुझ तक पहुँचेगा, तब तक ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब सिर्फ इसका एक ही हैंड बचा हुआ है, येलो। अब इसका पूरा बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थोड़ा वेट करेंगे। तो गाइस ये डिस्ट्रॉय हो चुका है और सामने गैराज का भी डोर ओपन हो गया और यहाँ पर एक व्हीकल है। इस व्हीकल को लेकर यहाँ से निकल चलते हैं, अंदर बैठते हैं, बैठ चुके हैं। अब यहाँ से फटाफट से हम लोग को निकलना होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर ज़रूर से सेट कर लेना।